अब एक बार अपने आप को समर्पित तो कर लीजिए कि मैं गुरु का हूँ, और ये समर्पण करने के लिए जिस दिन आपको गुरु से मिलेगा, गुरु के साथ जाएगा, गुरु के वचन को पालेगा, हो सकता है मुझे बहुत कष्ट प्राप्त हो सकता है, मुझे नाना यातनाएं सहन पड़े, नाना अपमान सहना पड़े, तुझे बहुत दुख सहना पड़े, लेकिन एक बात याद रख, तो गुरु से प्रेम कर, तुझे गुरु वहाँ ले जाएगा जहाँ तू नहीं चाहता, उतना संसार में तुझे देख लेगा, तुझे लाखों लोग रह सकेंगे, फिर साथ लाखों लोग प्रेम कर सकेंगे, तुझे वो सारी सुख सुविधाएं गुरु दे सकेंगे, लेकिन एक बार समर्पित होकर तो दे। और इस समर्पण के लिए गुरु ने कहा था कि समर्पित मेरे होने से पहले तो श्रद्धा सिद्धार्थ प्रति समर्पित हो जा। मैं सिद्धार्थ मैंने देखा है, ऐसा गुरु ने कहा, मैंने सिद्धार्थ देखा है और जिसमें मैंने आनंद अनुभव किया है, जिसमें सुख अनुभव किया है, जिसमें श्रेष्ठता अनुभव की है, मैं वही आनंद गुरु को देना चाहता हूँ। एक बार तुम जब लोग सिद्धार्थ प्रवेश करके तो देखो, सिद्धार्थ आके तो देखो। और गुरु ने केवल और केवल एक 24 साधनाओं की सिद्धार्थ की पुस्तक देखी और कहा हर एक साधना इतनी जीविता को लेकर है, जिसकी जीविता में कम से कम छोटी सी साधनाएं हैं, लेकिन हम जीवन में अगर कर सकें और हम वहाँ जा सकें तो हम, मैं आपको कहता हूँ, उस साधना को अगर हम कर सकें तो आप खुद देवता है, आप खुद देवी की शक्ति रखने वाले कहलाए जाते हैं, आप खुद सिद्ध हैं, आप खुद साधु हैं, आपके जीवन में असफलताएं आदि ही नहीं जो उस साधना को अपने जीवन में करता है, उस साधना को असफल देख ही नहीं सकता। ऐसी साधना जो मनुष्य में जिस साधना के बारे में कह रहा हूँ, उस गुरु पूर्णिमा के दिनों में या तो गुरु पूर्णिमा के 3 दिन पहले इस साधना को आरम्भ करें या गुरु पूर्णिमा के बाद इस साधना को संपन्न करें, क्योंकि साधना को सिद्धाश्रम में जाने वाला, सिद्धाश्रम पहुंचा हुआ हर व्यक्ति साधना को करता है और वो अपने जीवन की असफलताओं को निकाल देता है। जीवन में असफलताएँ जो हम सोचते हैं वो काम नहीं होना, वो उस काम का अपने में कमी होना, इन असफलताओं को दूर करते हुए अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए जो क्रिया है, उस क्रिया को करने के लिए हाँ इस साधना को संपन्न किया जाता है। अभी हमने देखा है असफल और सफल कौन, हमने इस संसार में हमने विज्ञान को बहुत बढ़ावा दिया, विज्ञान को इतना बढ़ा दिया, हर डॉक्टर ने कहा, हर वैज्ञानिक ने कहा, हमारे पास तोप है, बंदूक है, सब है। अरे एक छोटा सा कीड़ा वायरस पूरे दुनिया को हिला के रख दिया, एक सूक्ष्म कीड़ा जिसका भगवान में कुछ यहाँ है, सारे मंदिर बंद हो गए, भगवान की पूजा बंद हो गई, भगवान के जाले बंद हो गए, एक छोटा सा सूक्ष्म जैसा कीड़ा, तो तेरी हैसियत क्या है, तेरा विज्ञान का काम करता है उसके सामने, कोई चैलेंज के साथ कह सकता है कि मैं उस वायरस से झगड़ सकता हूँ, तुझे हिला कर रख दिया। तो इस संसार को, जिस पृथ्वी पर, एक भी भारत का बात नहीं कर रहा हूँ, सारी पृथ्वी वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड को पूरा हिलाने का एक छोटा सा सूक्ष्म कीड़ा अगर हिला सकता है तो कोई ऐसा भी कीड़ा होगा जो इस संसार को श्रेष्ठ और सामर्थवान बना के किया जाना है। और उस कीड़े को कहा था, मेरे दृष्टि में उस कीड़े को, वो सिद्धाश्रम की वो साधना है, वो कीड़ा है, वो जिसने उस कीड़े को ग्रहण किया, जिस वायरस को अपने में ला लिया, जिस वायरस को फैला दिया, वो अच्छा वायरस था, वो श्रेष्ठ फैलाया गया, उसको दूसरा वायरस को उसको आक्रमण नहीं कर सकता। और उस वायरस को हम कैसे निर्माण करें और उस वायरस को अपने में कैसे डाल सके और हमारे शरीर को सुदृढ़ कैसे बना सके, हमारे शरीर को सिद्धाश्रम पहुँचाने की क्रिया कैसे कर सके, ये हम जानते हैं। अगर हम आज के क्षण में अगर हम विचार करें तो चाइना से सिद्धाश्रम ज्यादा दूर नहीं है, अगर कहूँ तो चाइना में ही सिद्धाश्रम है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। सिद्धाश्रम कहाँ है, अगर हम जाएं तो चाइना में ही है, लेकिन क्या वायरस वहाँ पहुंच सका, वायरस जा सका सिद्धाश्रम, कोई योगी यही नहीं मरे तो वहाँ क्या मरेंगे। तो आपको ये इसलिए कह रहा हूँ कि हम एक अच्छे से वायरस, अच्छे से सूक्ष्मता को, अच्छे से अणु को, अच्छे से कण को, जो गुरु जी के चरणों की धूल या कण कहा गया है, गुरु जी के वचनों का कण कहा गया है, अगर उसको हम, अगर हम हमारे शरीर में उस मंत्र के रूप में अगर हम धारण करते हैं तो हमारा वायरस, कोई वायरस हमें कुछ बिगाड़ नहीं सकता, किसी भी तरह का हो। हम उसके लिए क्या करना चाहिए, ऐसे सफल जीवन को किस तरह बनाना चाहिए, यह एक क्रिया प्रभु ने बताई और कहा कि तुम सिद्धाश्रम पहुंच जाओ, तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की, तुम बिना इच्छा पूर्ण करते हुए, मैंने इतनी साधनाएं की है मुझे सफलता नहीं मिली, या मैंने इतना सब कुछ किया है मुझे सफलता नहीं। सफलता किसे कहते हैं, जो फल दे उसे सफल कहा गया है। फल किसको मिलता है, और फल में मिला आप उसको कीड़े द्वारा बना देते हो, कैसा है आम मिला, कीड़े वाला सड़ने वाला आम हो गया, अब क्या है, पैसा करोड़ रुपए आ गया तो आपको खर्च करने का दिल नहीं होता और उसको जमा करके अलमारी में डाल के रखते हो, किस दिन मर जाओगे पता नहीं, उस 1 करोड़ रुपए का क्या होगा वो पता नहीं, ऐसा फल मिला क्या नहीं मिला क्या, ऐसा फल जिस फल को लेकर आप भी आनंद प्राप्त कर सको, दूसरों को भी आनंद, जिसको फल के काट के दे सको, तो श्रेष्ठता है। लेकिन आप कभी नहीं लेंगे, अगर 10 आम आए तो रोज 1 आम आएंगे, आखिरी आम तो जरूर सड़ जाएगा, 10 दिन तक रहेगा तो सड़ ही जाएगा, वो कैसा
क्योंकि आप उसको बचाना चाहते हो और वो सड़ने की क्रिया आप करते हो और फल दिया भी गुरु जी ने, तो आप उसको सड़ने की क्रिया प्रक्रिया जरूर करोगे, क्योंकि फिर प्राप्त नहीं होगा। ये आपने आपने एक धारणा है। मैं कहता हूँ कि आज 10 फल लाया हूँ तो 5 फल मैं खाऊंगा, 5 फल बांट दूंगा, तो दूसरे दिन 10 फलों के लिए कोशिश करूंगा। लेकिन आपको ये पता चला कि 10 घर में 10 फल है तो 10 दिन सो जाऊंगा, क्योंकि आज खाया कल खाया परसों खाऊंगा, 10 वहां पर सड़ जाएगा, तो तुम्हारे काम आने उसी काम आए। 5 फल आप खाओ, 5 फल दूसरों को दे सको, तो दूसरे दिन आप विचार करोगे कि अब मैं दूसरे दिन 10 फल ला लूं, कैसी क्रिया करूँ, कौन सा कर्म करूँ, कौन सी साधना करूँ। और ये सिद्धाश्रम सिखाता है कि तुम्हें किस तरह खाकर किस तरह लिया जाए, या तुम्हारे उस फल को सफलता का अर्थ होता है सफल अच्छे फल को प्राप्त करना, उस प्रक्रिया को उस फल को किस तरह प्राप्त करें, यह क्रिया साधना के माध्यम से बताई जाती है। तो किस तरह बताई जाती है? एक बार हुआ ऐसा कि मैं और हमारे एक मेरे साथ और एक साधक थे, हम दोनों विंध्याचल की पर्वत में साधना के लिए चले गए, श्रीशैलम की भी मिली गए। वहाँ हुआ ये कि हम दोनों भी बैठ के साधना के लिए जाकर अच्छे जंगल में, घने जंगल में, कि कोई नहीं आना, हमें कोई नहीं देखना, हम साधना करें। दोनों का भी यही विचार था कि हम कोई नहीं देखना, अपन साधना करते समय हमें कोई नहीं देखना, ऐसा विचार करके दोनों भी गए। दोनों में गए जाके बैठने के बाद अच्छी साधना का स्थल देख लिए और बैठ गए। तो दोनों में ये विचार हुए कि अरे ऐसा रहता, यहाँ साधना तो रहा है, अपने यहाँ छोटे सा अपने को रक्षा के लिए चार लकड़ी खड़े करके उसके ऊपर कुछ पत्थर वत्तर डाल के बैठ जाएंगे तो कुछ वर्षा वगैरह कीड़े वीड़े आए तो नहीं काम करेंगे। तो चल पत्थर ढूंढ के आएंगे, जगह ढूंढ लिए दोनों भी। तो मैं इधर से जाके ढूंढ के लाता हूँ तो उधर से जाके ढूंढ के आता हूँ। दोनों ढूंढने के लिए थोड़ा अंदर 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 चले गए, पत्थर ढूंढे आए तो हम क्या, हम जो जगह ढूंढे थे वो भूल गए। अब हम एड्रेस पूछे तो किसको पूछे, कहाँ है ये हमारे, कौन, नाम बोलने के लिए नहीं, ना फोन चलता नहीं, ना जाने आने के लिए नहीं। अब दोनों एक घंटा हो गया, दो घंटा हुआ कि हम है कहाँ और कहाँ पहुंचा जाके पत्थर ढूंढने में चले गया पूरा काम। अब वो कैसा कि वहाँ पूछे, और पूछे तो किसको पूछे, जहाँ जाला दूर जा रहे हैं तो कोई मोर दिख रहे हैं, तो कोई कोल्हा दिख रहा है, तो कोई और बंदर दिख रहा है, दिख रहा है, किसको पूछे कि हम कहाँ थे, हमें कहाँ पहुंचना है। यह क्रिया इसलिए हुई कि हम वहाँ मार्क नहीं रखे कि हम जहाँ जाना है, या कोई मार्किंग भी हमारे पास नहीं रही। अब हुआ ये कि वो एक घंटा दो घंटा ढूंढा और बोला साला अकेला हो गया मैं यहाँ, अब ये अनिल ने ढूंढा, मैं इसके भरोसे पर यहाँ आया। वो सीधा सीधा रास्ता ढूंढने लगा कि मैं बाहर कैसा निकल जाऊँ, सीधा सीधा गांव पहुंच जाऊंगा, वो नहीं मिलता, ये जंगल में तो डर लग रहा है, शाम हो जा रही है, मेरी हालत क्या। अब मैं ढूंढना साला ये कहीं जाके भटक गए यार, कहीं चले गया तो मेरी जिंदगी, उसकी बीवी बच्चे मेरे को गाली आ जाएंगे, मैं उसको ढूंढने में वो बाहर जाने के चक्कर में। दोनों साधना मिलके करने के लिए गए और दोनों चक्कर में ऐसा फंस गए कि अब वो मुझे ये डर कि वो घर पहुंच गया है, नहीं पहले ये पहले ना जाओ घर, यहाँ कोई शेर भी खा लिया मेरे साथ आया तो उसको पीड़ा वहां पहुंच जाएगी, मैं ये साधना के जो दूरी की बात है उसको ढूंढने में टाइम चलेगा। अब अगर समझो वहां लोगों का कहना है कि अगर तू जंगल में जोर से पुकारा तो शेरों का जंगल है, वो शेर पहले देर से भाग के आएंगे, सारे बंदर भाग के आएंगे, शाम भाग के आए, पुकारना नहीं, देखना नहीं, मिलना नहीं, ना कोई कहाँ है उसका पता है। आखिरकार ये बात हुई कि वो डरते मारते भागते भागते किसी तरह रोड पे आ गया और किसी को पकड़ के जो घर पहुंच गया, उसके घर चलेगा। अब मैं उसको ढूंढने में भागते भागते मैं भी रोड पे आ गया, मेरे को ये लगा कि वो गया कहाँ। आखिर आने के बाद मैंने उनके घर पे पूछा कि क्या वो आ गया, तो उन्होंने बोला अरे भाई एक बोला मैं घर पहुंच गया, मैं डर के घर में आ गया। अच्छा गया तो घर में रह जा। इसलिए ऐसे लोगों को लेकर जहां अनामक चीज, जहां कोई पहचान नहीं है, ऐसी चीज जाने से पहले विचार करना चाहिए कि हम कहां गए। तब से मुझे अब तक आ गई कि किसी को साथ ले जाने से पहले ढूंढना कि हम कहां गए, कहां ले जाना है किसी को। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमें अगर इसका ज्ञान हो कि वो आदमी कहाँ बैठा, यह ज्ञान भी सिद्धाश्रम की ज्ञान प्राप्ति के द्वारा होता है कि हमारा आदमी कहाँ खो गया है उसको पकड़ सकते हैं। तुम्हारे शरीर में जो तत्व है, पृथ्वी तत्व है तुम्हारी हड्डियाँ, जल तत्व है तुम्हारा रक्त, या तुम्हारे शरीर में बहने वाले आंसू, जिसके आंसू का जल कहो या और दूसरे जल को लाला जल कहो, ये सारी जल तत्व को लेकर है। वायु तत्व को लेकर है तो तुम्हारे शरीर के प्राणवायु जिसे कहा जाए, ऑक्सीजन कहो उसे, कहो उसे वायु तत्व कहा गया है। उसी प्रकार अग्नि तत्व है तुम्हारा शरीर गर्म रहना, इन तीनों तत्वों के चलने फिरने से तुम्हारे शरीर को में गर्मी रहती है, उसे अग्नि तत्व है। जठराग्नि कहा गया है, इसे अग्नि तत्व कहा गया है। इन अग्नि इस पंच महाभूतों के आकाश तत्व को जानने के बाद क्या कहता है, आकाश तत्व इन सभी को अपने पास खींचने की क्रिया करता है। लेकिन आकाश को हम ये सब देते नहीं,
कब देते हैं? मरने के बाद जला दिया अपने शरीर को, तो अपना शरीर जल के वायु बन के जाएगा। लेकिन अगर तुम इस क्रिया को जानो कि जिंदा रहते हुए ही तुम तुम्हारे शरीर को आकाश में पहुंचा सको या वायु तत्व से एकाकार कर सको, तो तुम हल्के हो जाओगे। तुम जब हल्के हो जाओगे, तुम जहां कहीं विचरण करना चाहते हो विचरण कर सकते हो। तो तुम्हारे शरीर में वायु तत्व को जब तक बढ़ाते नहीं, वायु तत्व को तुम्हारे शरीर में बढ़ाते नहीं, या नाभि जिसे कुंडलनी या प्राणायाम कहा गया है या इस तत्व, तो हमें आज करने के लिए हमारे पास शक्ति नहीं है प्राणायाम करने की। और हम ऐसा खाना खाते हैं जिसमें हमारे में वायु नहीं बनती, केवल बनता है तो रक्त बनता है, रक्त बनता है तो फिर मांस बनता है, मांस बनता है तो फिर ये बनता है, यही खाना खाते हैं हम। वायु तत्व को बढ़ाने की क्रिया वाला खाना नहीं खाते और वायु तत्व को बढ़ाते हैं। और जिस दिन वायु तत्व को बढ़ाएंगे, तुम वायु जैसा हल्के हो जाओगे, तो तुम कहीं भी विचरण कर सकोगे। अब अपने पास अगर हम जाने, जिस वायु तत्व को जानता है वो वायुरंजन हनुमान जी वायु के पुत्र कह जाएंगे, वो आकाश में हो सकते हैं, छलांग लगा सकते हैं, ज्ञान भी जा सकते हैं। जिसने कुंडली जागरण की, जिसमें वायु तत्व को अपने शरीर में बढ़ाया, उसको क्रिया कर सका, वो कहीं भी जा सकता है, कहीं किसी को खोज सकता है, या कहीं किसी को हम भगवान को भी ले सकते हैं। इस वायु तत्व की बढ़ाने की क्रिया को किस तरह करना चाहिए, यह सिद्धाश्रम की साधना बताती है। क्यों सिद्धाश्रम? सिद्धाश्रम में पृथ्वी तत्व वाले नहीं पहुंच सकते। पहुंच सकते वो जो लोग अग्नि तत्व को जानते हैं, वायु तत्व को जानते हैं, वही लोग इस संसार में आकाश तत्व वाले सिद्धाश्रम कहते हैं कि आकाश सिद्धाश्रम इन आंखों से नहीं दिखता। तो इसमें हम उस तत्व को बढ़ाने से जिसमें वायु तत्व की जागृति, उसलिए हनुमान जी को कोई धोखा नहीं सकता, कोई बात भी धोखा नहीं दे सकता। हनुमान जी को दे सकता है कि दूसरे दिन उसको पूरे उसके पूछ से लपट कर मार कर फेंक देंगे, कहीं नहीं। आपने सुना है कि हनुमान जी को किसी ने धोखा दिया है? हनुमान जी ने किसी को धोखा दिया है? क्यों? कि उनमें वो वायु तत्व की वायु तत्व का ज्ञान है, भगवान कृष्ण को ज्ञान है। ये इस क्रिया को सिद्धाश्रम के योगियों को इसका ज्ञान है। और जिसको ये ज्ञान है, पैसा तो उसके चरणों में ऊपर वर्षा होकर आगे गिरेगा, पैसा धन और अच्छे अच्छे देवता। जिसको जिसके शरीर में वायु तत्व जागृत हुआ, वो सौभाग्यवती हुई और उसके वो सौभाग्यवान हुआ और उसके पास सारे देवता उसके पास खड़े हो जाते हैं। आपने देखा है हनुमान जी के सामने सारे देवता भी खड़े होते हैं हनुमान जी का काम करने के लिए। इंद्र आदि देवता, उन्होंने उनको वर दिया, अग्नि तत्व, वायु तत्व, जितने भी देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, सभी ने उनको वर देकर उतना शरीर सुदृढ़वान किया जिसमें वायु तत्व जागृत है। क्या वायु तत्व को जागृत करने की क्रिया क्या है? तो हम इस क्रिया को नहीं जानते, इसलिए उस लेबोरेटरी को जाएंगे जिससे अपने वायु तत्व को बढ़ाएंगे। और वो लेबोरेटरी हमारे लिए सिद्धार्थ है। और एक बार हम सिद्धार्थ जाने की क्रिया हमारे शरीर में कर सकेंगे, तो हम कम से कम हम प्रयत्न तो करेंगे कि हम सिद्धार्थ में पहुंचेंगे अगर गुरु कह रहे हैं। और उस मंत्र को गुरु ने कहा है, तुम इस मंत्र को करो, तुम्हारे जीवन में असफल भी नहीं होंगे और तुम सिद्धार्थ में पहुंच ही जाएंगे। तुम्हारा शरीर इतना सुदृढ़ होगा कि तुम इतने भाग्यवान होंगे कि देवता तुम्हारे पास होंगे, तुम्हारे सारे पाप और ताप और सब दैन्यता को खत्म करेंगे। और इसको करने की क्रिया क्या है, उस समझाने के विशेष उस साधना को मैं ये 3 दिन में, या तो गुरुपुर में आके पहले 3 दिन या गुरुपुर में आके बाद में 3 दिन ये साधना संपन्न करनी है। और उस साधना को मैंने उसको नाम दिया है काम्य साधना। ये कामाख्या में तो बहुत श्रेष्ठता के साथ ये साधना को किया जाता है। जो कामाख्या में बैठते हैं या कामाख्या का दर्शन करने वाले हैं, उस साधना को श्रेष्ठता के साथ ये साधना कर सकते हैं। एक बार मैंने जो कामाख्या साधना के बारे में जो गुरु जी ने लिखा है उसे पढ़ के सुनाता हूँ, आप मेरे साथ सुने कि मैं क्या। सच्चे साधक के लिए स्वामी श्री परम स्वामी निखिलेश्वर जी की कृपा, वचन, प्रवचन एवं साधना है जीवन का सार, जीवन का उद्देश्य है, जीवन की गति है, परम गति है। इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ऐसी ही एक दिव्य तेजस्वी साधना जो हमें सिद्धाश्रम पहुँचा सकती है, सद्गुरुदेव सहित सिद्धाश्रम के सिद्धों का साहचर्य प्राप्त करा सकती है, हमारे हर एक अध्यात्म प्रगति में सहायक है और असफल साधक के लिए सफलता प्रदान करने वाली साधना है। यह साधना स्मशान में, एकांत स्थान में, जंगल में या घर के किसी एकांत कमरे में या गुरु के स्थान में, जहाँ गुरु का स्थान है वहाँ इस साधना को कर सकते हैं। जो साधक सन्यासी है उन्हें सूर्य भगवान के बिंब में ध्यानस्थ गुरु का स्मरण करते हुए, गुरु को शांत चित्त आशीर्वाद देते हुए बिंब देखने के बाद दिन और रात 24 घंटों में 16 घंटे बिना माला के ध्यानस्थ होकर निम्न मंत्र जप करना है। गुरु पूर्णिमा के 2 दिन पहले आरंभ कर गुरु पूर्णिमा के दिन समाप्त करना है। अपने जीवन के दिव्य क्षणों की उपलब्धि साधक स्वयं बताएं। जो साधक गृहस्थ है, स्त्री हो या पुरुष, अपने सामने शक्ति चक्र स्थापित कर उसके मध्य बिंदु में ध्यानस्थ गुरु का स्मरण करना चाहिए। सामने 9 कटोरियों में 9 प्रकार के दूध से बनी हुई मिठाई या खीर या सूखा मेवा, जिसे काजू किशमिश बादाम आदि कहते हैं, उससे खीर में 9 दुर्गा शक्ति के प्रतीक 9 रत्नों को डालें। यानी ये कामाख्या देवी की साधना है। क्यों कामाख्या में लोग गृहस्थ जाते हैं और सुखी होते हैं? और कामाख्या से ही हमारी सिद्धाश्रम की यात्रा आरंभ होती है। जो कामाख्या गया,
कामाख्य पहला पड़ाव है सिद्धाश्रम जाने के लिए मोदी मेट कामाख्य मोदी सिद्धाश्रम सिद्धाश्रम अंत नवदुर्ग शक्ति मन पी मैं वेगे श्रेष्ठ नवदुर्गों की शक्ति लेकर कामाख्य अपना पहला बेस स्थान है जहाँ से हम सिद्धाश्रम पहुंचने के लिए कामाख्य एक पहला पड़ाव या पहला स्थान कारण है। नवरत्नों को डालें सागर जमीन पर ऊनी या रेशमी आसन पट्टु वस्त्र विशेषी बीचर पूर्व की ओर मुखकर बिना माला के माला लेकुंडा दिन और रात में 12 घंटे ध्यान युक्त होकर जप करें। साधारणता प्रातः 4 घंटे सायं 4 घंटे और रात के 10 बजे के बाद 4 घंटे तीनों समय में जप करें। गुरु पूर्णिमा से पहले 3 दिन या गुरु पूर्णिमा के बाद 3 दिन में यह साधना संपन्न करें। सिद्धाश्रम का मार्ग सुगम होगा, सिद्धि योगियों का मार्गदर्शन मिलेगा और स्वयं सद्गुरुदेव आपको आज तक की हुई साधनाओं में सफलता प्रदान करेंगे ही। साधना उपरांत नव कटोरियों की मिठाई या खीर को नव कन्याओं को कुमारिकाओं को खिला दें। प्रातः साधना के बाद उसमें से नव रत्नों को अपने साधना स्थल में रख दें या लाकेट में मंडवाकर अपने गले में धारण करें। साधनाओं में असफलता प्राप्त करने वाले साधक हर साधना में सफलता प्राप्त करेंगे, यह 3 दिन की साधना है। इस कभी समय मिलने पर कामाख्या देवी का दर्शन करें, इसमें अगरबत्ती दीपक आदि लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। साधक रेशमी वस्त्र सूधे पहने काला कपड़ा ना हो। यह साधना गुरु जन्म दिवस गुरु पूर्णिमा है गुरु बालिका सिद्धि दिवस एवं ग्रहण काल में आरंभ कर 3 दिन तक करें, बहुत ही सिद्धिप्रद साधना है। इस स्वयं गुरु जी ने सिद्धाश्रम की पुस्तक में 24 साधनाओं से एक साधना प्रदान की है। अगर हम आपको ब्रह्म विद्या को जानना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को ब्रह्म विद्या को जानकर उस ब्रह्म तत्व को जानकर ब्राह्मण बनना चाहते हैं, जाति कुछ नहीं करती, जिसको ब्रह्म ज्ञान हुआ ब्राह्मण है। और गुरु जी का कथन था कि इस ब्रह्म विद्या को ब्रह्म ज्ञान को जाए, क्या सिद्धाश्रम में केवल ब्राह्मण ही आते हैं? ऐसा नहीं है। सिद्धाश्रम और सभी उन सभी लोगों को गुरु ने, अंग्रेजों को भी गुरु ने, इंग्लिश वालों को भी गुरु ने सिद्धाश्रम को ले जाकर बताया कि सिद्धाश्रम क्या। सिद्धाश्रम एक ऐसी प्रयोगशाला है, ऐसी लेबोरेटरी है जहाँ तुम्हें जीवन का तुम्हारा जीवन का उद्देश्य मिलता है कि तुम्हें जीवन में क्या करना है, एक अणु या कण से तुम कितने महान बन सकते हो, ये बनाने की क्रिया सिद्धाश्रम बतलाता है। और ऐसे सिद्धाश्रम अगर पहुँचने का मार्ग भी हमें पता है, हम जान सकते हैं, तो इस साधना को आपके जीवन में संपन्न करें। कल प्रातः अगर इस साधना को आप आरम्भ करते हैं तो आप 3 दिन या घर में जाने के बाद गुरु पूर्णिमा के बाद भी 3 दिन या गुरु सिद्धि दिवस या गुरु जन्म दिवस के पहले भी 3 दिन इस साधना को संपन्न करें। शक्ति मेरे से मिले, क्योंकि मैंने इस बार कहा था हम कितना भी चाहे चाहे मंदिर भी बन गए। गुरु जन्म दिवस पर मैं सिक्किम जाना चाहता था, आज हम जिस सियाचिन की बात करें सिक्किम से 80 किलोमीटर दूर पर है और वहाँ जिस के कारण हम गुरु जन्म दिवस पर जाने से रुक गए इतना ही है। रुक गए इसका अर्थ ये नहीं कि हम जाएंगे नहीं, ऐसा नहीं है, रुक गए अलग है, पड़ाव रुका हुआ है लेकिन जाएंगे जरूर, ये नहीं। तो अगली बार हमें सिद्धाश्रम पहुंचना ही है और मैं सिद्धाश्रम पहुंचने के लिए आपको मार्ग सुगम कर रहा हूँ। ये साधना आपको कल सुबह से अगर आरम्भ करते हैं तो गुरु पूर्णिमा की शाम में मैं आपको इसकी दीक्षा भी प्रदान करूंगा और आप सब मेरे साथ सिद्धाश्रम के मार्ग पर प्रशस्त होकर चलेंगे। ऐसा सुदृढ़ ऐसा शरीर सामर्थ्यवान बने। गुरु जी हमारे पास सिद्धाश्रम आने के लिए पैसा नहीं है, मैं बीमार हूँ, मुझे शुगर है, ये सारी चीज़ें छोड़ देकर मैं नहीं चल सकती या मैं नहीं चल सकता, मेरे को ठंडी बर्दाश्त नहीं होती, ये सारी चीज़ों को भूलकर आपको नंगे पाँव सिद्धाश्रम ले जाऊँगा। केवल आप इस साधना को संपन्न करें ऐसी इच्छा रखता हूँ और मेरे जीवन में भी चाहता हूँ कि आपके जीवन में किसी प्रकार की कमी ना हो, आप उस कमी को छोड़ दें। हमारे जीवन में अगर हम अपना जीवन गुरु जी के चरणों में सौंप देते हैं तो हमें कोई धोखा नहीं दे सकता और धोखा देने वाला खुद धोखा खा लेगा जरूर। ये है हमारे ऊपर कोई अन्याय से प्रहार नहीं कर सकेगा, किया है तो वो प्रहार उसका वो भोगेगा। केवल आप गुरु पर विश्वास रखकर गुरु की बताई हुई साधनाएं संपन्न करते हुए आगे बढ़े, ऐसी मैं इच्छा रखता हुआ यह काम्य साधना आपको दे रहा हूँ। इसका मंत्र आप सुबह आने के बाद मैं आपको प्रदान करूंगा या मैं सुबह 6 बजे तक यहाँ पहुंच जाऊंगा। आप सब इस काम में साधना के लिए यहाँ आए गुरु पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर और सिद्धाश्रम पहुंचने की साधना लेकर आप यहाँ पहुंचे। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि साधना को किस तरह करें। सीधा सूती आसन पहने, रेशम का आसन नीचे डालें और इस माला को छोटा सा मंत्र है ओम कामेश्वरी गुरुदेवाय हूँ। जिस कामेश्वरी माता को गुरुदेव ने सिद्ध किया है, हे कामेश्वरी तुम मुझे भी सिद्ध करते हुए उस गुरु मार्ग को बतलाते हुए मुझे आदि सिद्धाश्रम तक ले जा। इस साधना से पंच तत्व सिद्ध हो जाते हैं, यज्ञ के अग्नि सिद्ध हो जाते हैं, आपकी वायु सिद्ध हो जाती है, आपकी पृथ्वी सिद्ध हो जाती है और आकाश तत्व भी सिद्ध हो जाता है।
पंचतत्वों का सिद्ध होना यह है कि आप आकाश में कहीं भी विचरण करने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और दशमा विद्याओं की बात की, आप सिद्धाश्रम अगर पहुंचते हैं तो गुरु जी ने ऐसा कहा गया है कि तीन दशमा विद्याओं में तीन महाविद्याएं सिद्ध होने के बाद ही सिद्धाश्रम पहुंचते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि साधना को सिद्ध कर लेने के बाद आप दशमा विद्याओं की जरूरत नहीं, आप सिद्धाश्रम पहुंच जा सकते हैं। यह काम्य साधना का मंत्र मैं कल सुबह दूंगा। आपके शरीर में अगर बीमारियां है, आप अभी मुझे तो सब लोग यही कहने वाले हैं, अगर मैं कहूं कि हमारे सिक्किम जाना है, वहां अगर 10 किलोमीटर चलना है, मुझे मुझे बहुत ठंडी बर्दाश्त नहीं, तो मैं नहीं सकती। मैं कहता हूं इस साधना को करो, तुम्हारी सारी बीमारियों को भगा दूंगा, तुम मेरे से भी आगे चलोगे ऐसा कर दूंगा, तुम्हारी बीमारियां तुम्हारे शरीर में घूमने आएगी। और आरोग्य में महाभाग्यम कहा गया है, जिसका शरीर अच्छा है उसको पैसों की जरूरत नहीं है, पैसा तो उसका बाप भी आएगा। अगर जैसा गुरु जी कहते थे कि लक्ष्मी जोशी मेरे आंगन में नाचे तेरे आंगन में भी नाचेगी, मैं यही कहता हूँ तुम आरोग्यवान हो तो लक्ष्मी तुम्हारे आंगन में, अगर आरोग्य नहीं है तो लक्ष्मी को लेकर भी क्या करेंगे, नहीं लेकर भी क्या करेंगे, कोई काम नहीं। लक्ष्मी नहीं है तो काम नहीं करेगी, अगर आरोग्य नहीं है तो लक्ष्मी रहकर भी कोई काम नहीं करेगी। हमें काम करना है तो पहले आरोग्यवान होना है, और जिसका आरोग्य सुदृढ़ है अच्छा है, जिसका मस्तिष्क ठीक है। अभी हमारे चालीस साहब बता रहे थे करोड़पति लोग भी परेशान है होटलों के बंद होने से, जिसके पास 5-5 होटल थे वो बेच रहा, जिसके पास थिएटर है वो बेच रहा है, उसको जीने की कला नहीं है, क्योंकि एक छोटे से वायरस ने उसको नीचे जड़ से हिला लिया है, साला देख ले मेरे में क्या शक्ति है, और उसने सारी चीज बंद कर दी है एक वायरस ने। लेकिन हमारे पास उस वायरस की तोड़ है, हम जी कर बताएंगे उस वायरस से, एक ऐसे वायरस की छुट्टी करेंगे कि हम उससे भी बलवान बलवान जीना चाहिए। हमें कोई वायरस गिरा नहीं सकता, ना कोई ब्रह्मांड का कोई व्यक्ति गिरा सकता, ना कोई बॉम्ब गिरा सकता, ऐसी 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 जीवन को हम चाहिए। तो इस साधना को आपके जीवन में संपन्न करें। आप कभी इसकी चिंता मत करें कि मैं कैसे करें जीऊँ, मैं जी कर हजार लोगों को जीने की क्रिया सिखा सकता हूँ, ऐसा जीवन जी ये मेरी कामना है। अगर मैं आपको लेकर चल रहा हूँ तो आप भी हजार लोगों को लेकर चलने की शक्ति प्राप्त करें, ऐसी आशा करता हुआ इस साधना को आपको देना। इस साधना को मैं कल सुबह दूंगा, लेकिन आप साधना का पैकेट लेकर रखिए, यहाँ 6 बजे मैं आऊंगा। बोलो प्रभु सर्वदेव भगवान की। आश्रम के लोग कोई भी हो तो यहाँ आए।